सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है विश्वकर्मा पूजा और मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर में, जहाँ पर हमारा बड़ा सा ट्रक है हमारे मामा का, तो वहाँ पे पूजा पाठ होता है हर साल। तो इस साल भी सेम। तो मेरा जो था थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी था तो मुझे पूजा करना था और घर में थोड़ा सा काम भी था। तो बहन चली गई थी वहाँ पर मामा के घर दीदी का हेल्प करने के लिए और प्रसाद वगैरह काटने के लिए। तो मेरा बर्थडे था इस वजह से पूजा करना तो बनता था, तो पूजा करने के चक्कर में मेरा थोड़ा लेट हो गया था। और ये मैं अब जा रही थी और ये मेरा गांव का रास्ता कुछ ऐसा है। मेरे घर से मेरे मामा का घर जो है ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट लगता है पहुँचने के लिए। और अब जो था मैं लगभग पहुँच ही गई थी मामा के घर। मामा के घर मतलब हम लोग एक आंटी का घर है, उनके घर के मतलब पीछे एक गली वाला रास्ता है, तो हम लोग वहीं से जाते हैं, वहाँ से बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं हम लोग। तो हम लोग ज़्यादातर उधर ही से जाते हैं। ये एक्चुअली हम लोग शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से आंटी लोग का घर होके और ये गली होकर, और मैंने जाके देखा कि घर में कोई भी नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है। मतलब मेरा बहुत लेट हो गया था, मैं फिर चली गई जहाँ पर गाड़ी रखा हुआ था वहाँ पर ताला लगा है, तो शायद उन लोग सब पूजा करने वाली जगह में हैं। तो अभी मैं यहाँ से रास्ता है, ये रास्ता होके मैं सीधा निकलूँगी। ये जो पीछे बैठी हुई हैं वो मेरी मामी हैं, और जो चला रही हैं स्कूटी वो मेरी दीदी हैं। हमारे मामा जो हैं ही इज़ नो मोर, वो नहीं है इस दुनिया में। तब से मतलब हमारे छोटे भैया जो है वो उनका बिजनेस वो देखते हैं, गाड़ी वगैरह का जो भी है वो संभालते हैं। और बड़े भैया एक हैं जो दिल्ली में रहते हैं और भाभी भी उन्हीं के साथ है। तो मैं जब गई तो मैंने देखा कि भैया ने मतलब पूजा पाठ ऑलमोस्ट हो गया था। ये जो मोटे करके हैं ये मेरे मामा के बेटे हैं छोटे वाले, और ये जो है दूसरा वाला वो मेरा कज़न ब्रदर है, ये मेरा बुआ का बेटा है। तो उन लोगों ने दोनों ने मतलब लगभग उनका पूजा ख़त्म हो गया था और उन लोग एक दूसरे को ये धागा बांध रहे थे। बाकी लोग जो थे वो मुझे बर्थडे विश कर रहे थे। ओह माय गॉड, दो ही जना बांध रही माने बाबा बर्थडे बांध रहा नहीं तो सकल दिखा ना बियाने माने जन माने बर्थडे ओनो म टॉपिक का बर्थडे बस आ जा तब पे आज सेलिब्रिटी हो न तब मोरे अरे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू। अरे तो उसको भी बर्थडे है यार, और इस तरफ जो था हमारा खिचड़ी बन रहा था, हमारे गांव के भैया लोग मिल के बना रहे थे। ठीकला आइ जनु जा ओ भाई, इसरी समाते दिनु ए तो कैमरा मन न समातु नी अच्छा तपिन लाइ जनु लाइ जा माथि लाइ जनु एकदम। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने भगवान को पूजा किया, तो पूजा करते वक्त जो वो भैया थे वो मुझे छेड़ रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे, कमेंट पास कर रहे थे। मैं हंस रही थी उनका मतलब सुन के, वो चिढ़ा रहे थे मुझे, और वो जो कैमरा लेके जो बहन थी वो भी मुझे सिखा रही थी कि ऐसे पूजा करिए, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, सब लोग बोल रहे थे कुछ कुछ। हंसना हंसना एकदम सीरियस भैर पूजा कर, हमेशा पूजा करते वो कपड़ा लेना चाहिए था टाउक में। जस्ट लुक एट देम, उन लोग अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे और मुझे मतलब हंसाने का कोशिश कर रहे थे। तो मैं उन लोग को बोल रही थी प्लीज़ मत हंसाओ ना, अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो मेरी बहन बोल रही थी पूजा हंस मतलब पूजा हंस कर ही करते हैं, रोकर नहीं करते हैं, हंस कर ही कर बोल के वो भी मुझे बोल रही थी। और ये जो कैमरा मतलब पकड़ी हुई थी वो मुझे सिखा रही थी कि ऐसे कर मतलब सर में चुन्नी ले, मतलब सब मुझे सिखाने वाला ही था वहाँ पे। अब जो था पूजा वगैरह ऑलमोस्ट हो गया था और अब था प्रसाद बांटने का टाइम। तो हम लोग लग गए थे यहाँ पर मतलब छोटा वाला प्लेट मतलब खोल के हम लोग मतलब प्रसाद वगैरह मतलब जितने लोग आए थे उन लोगों को देने की तैयारी कर रहे थे। मेरी बहन और मैं बात कर रहे थे और ये मेरे मतलब गांव के भाई लोग जो कि बिज़ी थे हम लोग को देख के हंस रहे थे, कोई फ़ोन में बात कर रहा था, सब मतलब अपने अपने धुन में थे। और हम लोग यहाँ मतलब प्रसाद मतलब लगा रहे थे प्लेट्स में और मैं कुछ बोल रही थी भाई के। और ये है मेरी कज़न सिस्टर, ये अपना मतलब फ़ोन से खाली फेस छुपाती है। नहीं ये ब्लॉग व्लॉग नहीं मैं, हाँ इसका एक यूट्यूब चैनल है नीतू छेत्री बोलकर, प्लीज़ इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
के हो त भन्दैन रामिर भन्दैन के तिखी मिर्ची ओइ आउ न आउ के तिखी मिर्ची तिखी मिर्ची और ये जो साइड में है ये मेरे पापा है और वो दूसरी वाली मेरी बहन है। हम तीनों बाप बेटी मतलब लगे हुए थे प्रसाद मतलब बांटने में और पापा हम लोग का यहाँ पे हेल्प कर रहे थे हम लोग को प्रसाद वगैरह देने के लिए। प्रसाद को भी दिखा देना ऐसे करके ऐसे ऐसे करके दिखा दो स्वाहा ओ नीतू ओ अच्छा पे हाली कपड़ों अब जो था अब प्रसाद बांटने का काम चल रहा था तो मतलब रास्ते में जो भी जा रहा था हम लोग उसे भी बुला बुला के मतलब प्रसाद खा के जाने के लिए बोल रहे थे। और ये देख सकते हैं हमारा ट्रक हमारे मामा का ट्रक ओए एक बड़ा क्यों है ये ट्रक है ये हम है और यहाँ पे पार्टी हो रही है और पार्टी हो रही है और बोलिए आज विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य पर आप क्या बोलना चाहती हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने दूर से मैं यहाँ और इस साल भी मैं अपने सारे परिवार के साथ विश्वकर्मा पूजा मना रही हूँ मुझे बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। ओके ये देख सकते हैं मेरा चावरे भाई जिब्रो ऐसा करते हैं। मेरे भैया ने आज गाड़ी को कुछ ऐसा सजाया है देखिए थापा दाजू लिखा हुआ है। अगर थापा दाजू दिखा वाला ट्रक आपको कहीं पर भी दिखा तो सोचेगा ये मेरे भैया का है। हाँ इसी में हम लोग हर साल दिसंबर में या तो जनवरी पे हम लोग पिकनिक खाने जाते हैं। आपको पसमा के ये बहन मुझे समझा रही है कि किस टाइप से मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। अभी मेरा भी स्टार्टिंग डेज है मुझे भी अच्छे से नहीं पता लेकिन वो मुझे सिखा रही है। चल मुझे टीका लगा दी थी मेरा चावल वाला टीका जो था गिर गया था मतलब फैल गया था ख़राब हो गया था तो मैंने मिटा के फिर मैंने उसे बोला कि अच्छे से लगा दी। और यहाँ पे आप ये देखिए हम लोग के राजू भैया और विश्व भैया पूरा लगे हुए हैं। आप हम लोग के चिता बस्ती में आके खिचड़ी खा सकते हैं। इन लोग भैया लोग बहुत अच्छा खिचड़ी बनाते हैं हमारे राजू भैया और विश्व भैया जो है खिचड़ी बना रहे हैं। ये भैया लोग जो है बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। आप हमारी चिता बस्ती में आके ट्राई कर सकते हैं भैया के हाथ का खिचड़ी। भैया रेसिपी बताना खिचड़ी का आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे खिचड़ी बनाते हुए कैसा फील हो रहा है? बस थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रहा है लेकिन फिर भी कल परसों के वेदर से तो आज का वेदर अच्छा है। मालिक को बोल के एसी लगवा दीजिए अब जो था खिचड़ी वगैरह बन गया था और भाई भैया लोग जो भी थे बैठ गए थे खाने के लिए तो हम लोग उनसे पूछ रहे थे कि कैसा हुआ है क्या हुआ है। बनाने वाले भैया भी बैठ गए थे तो हम लोग मजाक कर रहे थे कि बनाने वाले लोग तो मतलब बाद में खाते हैं आप लोग जो है पहले बैठ गए बोल के मतलब हम लोग उनसे मजाक कर रहे थे और पूछ रहे थे कैसा हुआ तो वो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ है बोल के। यहाँ बच्चे बच्चे लोग बैठे हुए हैं एक के बाद एक जो थे बैठ ही रहे थे हम लोग का चांस ही नहीं आ रहा था और हम लोग जितने भी लेडीज़ थे हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारा चांस कब आएगा कब आएगा।
ये सब के बीच में जो मेरी कज़न सिस्टर थी नीतू, वो मेरे पापा के साथ मजाक कर रही थी, तो वो वाला वीडियो ये रहा। फोन निकाल के दिखाइए, थोड़ा आप भी थोड़ा आईफोन निकाल के दिखाओ। कितना 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 लाख का है ये फोन, आप थोड़ा दिखा सकते हो? डेढ़ लाख का है ये फोन, डेढ़ लाख का। अच्छा, ये क्वालिटी कभी भी खराब नहीं होगा ना? क्वालिटी पटक देने से भी खराब नहीं होता है। कितना गुस्सा सहा होगा ना इसने। खिचड़ी कैसा लगा आपको? मैंने बनाया हुआ मस्त बना है, खाने में भी बहुत टेस्ट। पूरा खिचड़ी ठाकुरी खानदान बनाया है, स्पेशली मैंने, सबसे ज्यादा मैंने बनाया है। इसका नाम है पूजा। मेरा भाई खिचड़ी बांटते हुए बहुत काम करता है, सुबह से बहुत काम किया है, दौड़ दौड़ के सबसे ज्यादा यही दौड़ा है। फाइनली अब है हम लोग का टर्न खाना खाने का। दीदी बहन लोग माइजू लोग सब लोग बैठ गए, अब हम लोग बैठेंगे। खिचड़ी कैसा हुआ है? यम्मी। दुख के साथ और बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि अभी भी हम लोग को यहाँ बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिला। मैं और मेरी बहन नीतू, हम दोनों सिर्फ बचे हैं खाने के लिए, बाकी यहाँ जितने लोग हैं सब लोग ने खा लिया। फाइनली अब हम खाने जा रहे हैं। वो बोल दे तो सबको खींच देगा। आलू आलू हाल ना, आलू 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 घर जाछु आ ले आउना काचे आलू सब पर ले नेक्स्ट टाइम बनते ही सब्जी कुछ भाई जो सिर्फ आलू डालिएगा। यो 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 आलू तू आलू मोला दे तू। कितना बड़ा बड़ा पूजा का ब्याह ना, मेरा बेटी लोग से ले दे बड़ा And that's all today's video, and thank you so much for watching my video.